राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम दोस्तों, आज के विशेष दिन आप सबका स्वागत है मेरे और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और आज सुबह की शुरुआत हो गई है। नहा धो करके मैंने सबसे पहले अपने दरवाजे पर ये छोटे छोटे से स्वास्तिक बनाया, जिसको हम ओरिया देना कहते हैं। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। तो आप सबने अपने दिन की शुरुआत कैसे की, और इस विशेष दिन को विशेष बनाने के लिए विशेष, आज का तो ये दिन विशेष है ही, स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। तो हम सब ने क्या प्रयास किए वो मैं आज आपको पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने क्या क्या किया। हालांकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आज का दिन इतना खास है ना कि तभी तो वे सब किनारे हो गया। तो देखिए, सुबह सुबह मैंने ओरिया दी पहले, और सीढ़ियों पे भी छोटी छोटी सी रंगोली बना ली। और ये हमारे यहाँ ना आटे में हल्दी मिला के, जैसे हम लोग चौक पूरते हैं ना कुछ भी विशेष अवसर पर, शादी ब्याह या कथा वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ हर रोज़ दरवाजे के दोनों तरफ जो है ओरिया दी जाती है सुबह सुबह। तो आज मैंने सीढ़ियों पर भी ये छोटी छोटी सी रंगोली बना ली, छोटे छोटे से डिज़ाइन बना लिए, और छोटे छोटे प्रयासों से ही हम इसको विशेष महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत 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 खास है। तो आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे भी, मैं बहुत खुश हूँ। सुबह से मैंने रंगोली बना ली और वो कर दिया, दरवाजे पर पूड़ियाँ दे दी, पूजा कर लिया, भगवान श्री राम को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं ना, हमारी तीन पीढ़ियाँ, मतलब हमारे माता पिता भी हैं इसमें शामिल, जो ये देख रहे हैं, जो जिन्होंने इसका दर्शन किया। हम उस समय में, उस समय के साक्षी हैं कि जब हम मंदिर में प्रभु की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम हैं और हमारे बच्चे। तो हमारी तीनों पीढ़ियाँ बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, बताइएगा। तो बस मैं आज, मेरा विशेष जो है लंच भी बन रहा है, भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। पूजा कर चुकी, भोग बाद में लगा दूंगी, अभी तो जो रोज जैसे भोग लगाती हूँ वैसे लगा दिया। तो बना रही हूँ गाजर का हलवा सबको, ठंड बहुत है तो बस उधर गाजर का हलवा चढ़ा दिया है, दूध उबल रहा है, अभी मैं गाजर के साथ उसको पकने के लिए रख दूंगी। और आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, और बनाऊंगी पूड़ी बनाऊंगी चावल। तो ये हमारा आज का, तो मैं इसको तो पहले सोच रही थी कुकर में चढ़ा दूं, पर मम्मी ने इसको डाल दिया है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा गाजर मैं निकाल रही हूँ अलग, इसको मैं डालूँगी पूड़ियों में, कि पूड़ियाँ भी मेरी केसरिया केसरिया हो जाएं। और ये देखिए, मैं ना थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ, 4-5 चम्मच मैंने दूध निकाला था उसमें केसर मिलाने के लिए। और इधर जो है मैंने दूध और गाजर को रख दिया है ढक करके, और दूसरी तरफ मैं सब्जी छोंकने लगी। और आज की सब्जी भी, क्योंकि मैं पूरा आज जो भी खाना बनाऊंगी उसका भोग लगाऊंगी भगवान को, तो इसलिए बिना प्याज लहसुन के बन रहा है, पूरी पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ बन रहा है। तो इसके लिए ना तेल में बस मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाला, और उसके साथ मैंने सीधे टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने 3-4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए थे, उनसे ही ग्रेवी बनेगी हमारी। और उसके बाद उसमें डाल दिए मैंने अपने सूखे मसाले, जब टमाटर गल गया तो बस वही जैसे रोज़ की सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाई थी। धनिया जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया था सब्ज़ी मसाला और गरम मसाला। उसके बाद थोड़ा सा बाद में मैं इसमें डालूँगी किचन किंग मसाला, लेकिन अभी तो पहले सब्जियों को फ्राई कर लूँ। तो जैसे ही हमारा मसाला और टमाटर सब गल गया और मिक्स हो गया, तो मैंने फटाफट से उसमें आलू डाल दिए, फिर उसमें डालूँगी मटर, और उसके बाद फिर जो गोभी काट के धुल के रखी थी ना गर्म पानी में, उसको मैंने इसमें डाल दिया। गोभी मैं हमेशा गर्म पानी में ही धुलती हूँ, और अगर कुछ ख़राब लगता है तो फिर नमक के पानी में बॉयल करके तब गोभी यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद देखिए, ये सारी सब्जियों को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी, खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और आपको एक ट्रिक बताऊँ, जब भी सब्जियाँ बनाओ ना और मसाला और सब्ज़ी गर्म हो, तो हमेशा गर्म चीज़ में गर्म पानी मिलाते हैं, और यदि सब्ज़ियाँ ठंडी हो और उसको आप गर्म कर रहे हो ना, तो कभी भी गर्म पानी मत मिलाओ, उसमें ठंडा पानी डाल के उसको मिलाओ। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं।
तो इधर मैं सब्ज़ी भी छौंक रही थी और इधर मैं तब तक पूड़ियों की तैयारी भी करने लगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया और उसमें ढेर सारी गाजर मिलाई। हालांकि मुझे ये गाजर मैंने सोचा था कि मैं पीस करके इसमें मिलाऊंगी, लेकिन टाइम भी नहीं था और मुझे देर हो रही थी ना, तो मुझे बस ये था कि मैं टाइम पर मंदिर पहुँच जाऊँ, उस समय भगवान के विग्रह के सामने रहूँ। तो इसलिए मेरा ज़्यादा अटेंशन ये था कि किसी तरह जल्दी से खाना बन जाए और मैं टाइम से मंदिर पहुँचूँ। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन, नमक और गाजर मिला ली आटे में और मिक्स कर लिया, और इसका कलर भी अच्छा आया था पर उतना बढ़िया नहीं आया था। अगर मैं पीस के इसको मिक्स करती ना तो बिल्कुल पूरा आटा ऑरेंज हो जाता, तो बहुत सुंदर कलर आता पूरा गाजरी कलर का। तो एक साथ कई काम मैं कर रही थी, उधर मैं हलवे को भी देख रही थी, उस पर भी नज़र बनाए हुई थी, इधर मैं अपनी सब्जियां भी छौंक रही थी और दूसरी तरफ इधर मैं पूड़ियों के लिए आटा भी लगा रही थी। और साथ में मुझे बच्चों को बोलना पड़ रहा था कि आज वो खुद से रेडी हो जाए। बच्चों किचन में आते उनको बोला मैंने कोई सामान टच नहीं करो, चलो यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि भगवान का भोग जब बनाते ना तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखना ही चाहिए हमको। तो ये देखिए दूध में केसर मिक्स कर दिया था, कितना बढ़िया कलर आया था इसका, और उसको मैंने अब डाल दिया था उसमें। और देखिए वान्या बदमाशी कर रही थी, इसे मुझे बार बार डांट के भगाना पड़ रहा था। और देखिए मैंने एक तरफ ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो गर्म चीज़ में गर्म पानी डालो ना तो टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है, तो दोनों तरफ से अच्छी चीज़ होती है ये। तो बस ये मैंने सब्ज़ी में पानी डाला, मिक्स किया और उसके बाद ढक्कन लगा करके कुकर को रख दिया। तो एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन जाएगी और दूसरी तरफ मैंने ये बाज़ार से साफ चीनी मंगाई थी मैंने, क्योंकि जिसमें से यूज़ करते हैं ना उसमें से तो भगवान के भोग के लिए बना नहीं सकते, क्योंकि बच्चे भी उसको निकाल लेते हैं और वो ध्यान नहीं देते कि हाँ साफ़ है या नहीं। तो और जो साफ़ चीनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया, वो लेकर के आए। तो बस वही शक्कर मैं अब इसमें हलवे में डाल रही हूँ। तो अंदाज से मैंने डेढ़ कटोरी करीब इसमें चीनी डाल दी, क्योंकि बहुत मीठा नहीं करना है, और बहुत मीठा हो जाएगा तो पापा जी के लिए भी नहीं ठीक है, और शुभी वाने भी बहुत मीठा नहीं खाती हैं। तो बस उधर मेरा हलवा रेडी होने वाला था और इधर सब्ज़ी में भी सीटियाँ आ रही थी, तो बस मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बेलना शुरू कर दिया। ये देखिए भाप कैसे आ रही है। तो बस ये मेरी पूड़ी बन जाएगी और मैं भगवान को भोग लगा दूँगी, तो उसके बाद फिर मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाना है। और सच में ये ना बीच बीच में जो इसमें गाजर का जो ऊपर से आ रहा था ना ऑरेंज ऑरेंज, बड़ा सुंदर सा लग रहा था। ये दो कलर में हो जा रही थी, पूरी का जो अपना कलर होता है वो तो होता ही, बीच बीच में ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा था। शायद कैमरे में उतना पता ना चल रहा हो, पर सामने से देखने में ना ये बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे भी इसको देख कर बहुत खुश हो गए थे। तो बस मुझे था कि भगवान को भोग लगा दूँगी तो उसके बाद घर पर मम्मी जी हैं या ये हैं तो ये आराम से खा पी सकते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। और हमारे पापा जी तो हैं नहीं, वो गए हुए हैं छोटी वाली ननद जी के यहाँ, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है तो उनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ रखा गया है और बर्थडे फंक्शन भी है। तो रुचि भोग लगाऊंगी मैं, तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो हाथों से खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और इस समय बज रहा है 11:30, तो लेट हो गया और पहले निकलना चाहिए था, पर थोड़ा सा देर हो गया है। बच्चे चलो आज बस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देर हो रही बेटा आ जाओ। हम लोग निकल दिए हैं मंदिर के लिए, तो बोलो प्यार से प्रेम से जय श्री राम। वान्या जी जय श्री राम। और ठंड गलन बहुत ज़्यादा, इसलिए जैकेट पहन लिया है, पता नहीं है मैंने येलो कलर की साड़ी या जंगलों में स्टोल। और ये देखिए कॉलोनी में निकलते ही पूरी कॉलोनी ऐसे सजी है ना। Thank you.
और मंदिर में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी और हर एक व्यक्ति लग रहा था जैसे वो राममय हो गया हो। और इसमें इतनी सुंदर रंगोली बनी थी ना, मतलब पूरा मंदिर परिसर आप देखिए पूरा भरा हुआ था और इतनी सुंदर सजावट, और जहाँ देखो वहाँ मंत्र बज रहा है, भजन बज रहा है, जैसे मतलब मुझे लगता है किसी विशेष त्यौहार पे या शिवरात्रि पे या सावन के सोमवार जब रहते हैं ना तब ऐसा दृश्य होता है। और बाहर निकलते ही ये देखिए दो बड़े बड़े LCD लगे हुए थे जिसपे वहाँ से सीधा प्रसारण जो आ रहा था वो दिखाया जा रहा था। मैंने कितने लोगों की आंखों में आंसू देखे। देखिए कॉलोनी के अंदर एंटर करते ही गली में ये पूरे ऑरेंज बलून से इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया था ना, ऊपर था बगल में बलून। और ये रहा प्रसाद आप सबके लिए, ये प्रसाद लीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शाम तक रथ यात्रा झांकी और ये सब के बाद अब शाम को टाइम आ गया था दीपावली मनाने की। तो ये देखिए हमारी लाइटें जल गई हैं चारों ओर जगमग जगमग, बिल्कुल दिवाली जैसा ही दृश्य है। और मैंने भी दिए जलाए, पहले नीचे लगाए दरवाजों पर दिए सजाए, उसके बाद ये दीपक लेके मैं ऊपर छत पे आ गई थी तुलसी जी के पास आंवले के पास रखने के लिए। और उसके बाद सब जगह दिए सजा कर मैं शंकर जी के मंदिर भी गई जो हमारे घर के पास है ना, वहाँ भी दिए जलाए और उनसे आशीर्वाद लिया। और आप सभी को हार्दिक बधाई। फिर से नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है तो कर देना यारों। तो एक बार फिर से ज़ोर से बोलिए जय श्री राम।